योग साधना को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की झलक शहर के पार्कों में 17 जून से ही दिखाई देने लगी है। ताज नगरी स्थित जोनल पार्क में भी योग को लेकर 5 दिवसीय कार्यक्रम 17 से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को लगे योग शिविर में शहर की 40 से अधिक सोसाइटियों के सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। शिविर में योग गुरुओं ने लोगों को योग साधना का महत्व समझाते हुए योग क्रियाएं कराई। लोगों में त्वचा चमकाने के प्रति ललक दिखाई दी। योग साधना के महापर्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह शनिवार से ही देखने को नजर आ रहा है। इस बार आगरा विकास मंच एवं जोनल पार्क मित्र मंडल के बैनर तले 5 दिवसीय योग कार्यक्रम का आयोजन 17 से लेकर 21 जून तक जोनल पार्क में किया गया है। शनिवार को इस योग शिविर की शुरुआत कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में शहर की 40 से अधिक सोसाइटियों ने भाग लिया। हमारा इस बार एक पूरे सप्ताह का योग दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और उसी के अंतर्गत आज जोनल पार्क में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और ये लगभग 21 जून तक 5 दिन लगातार चलता रहेगा। उसमें आज मैंने भी शामिल हुई और योग भी किया और मैंने यहाँ आके देखा कि बड़ों से लेके बच्चे तक सब योग कर रहे हैं और हम इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक जन जागृति करके भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में इस योग को फैला दिया जो हमारी प्राचीनतम संस्कृति का एक अंग था और आज हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, हर नौजवान योग कर रहा है जिससे वो स्वस्थ रहेगा। योग के इस भव्य कार्यक्रम में जहां आगरा विकास मंच एवं जोनल पार्क मित्र मंडल अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं इस भव्य आयोजन में एडीए की भी अपनी बड़ी भूमिका है। आगरा विकास मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम को भव्यता देने में एडीए की अहम भूमिका है, साथ ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले लोगों को योग साधना से जोड़ने में योग गुरु बीपी शुक्ला एवं योगाचार्य वीरेंद्र कुमार आर्य अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आगरा विकास मंच, आगरा विकास प्राधिकरण एवं जोनल पार्क मित्र मंडल, तीनों का यह सामूहिक प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा योग से जीवन को कैसे सुरक्षित किया जाए, उस ओर यह एक प्रयास है। 17 तारीख आज इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी भाई श्याम जाजू जी और सभी पदाधिकारियों ने उनके मध्य रहते हुए और हजारों की संख्या के अंदर योग किया। दोनों योग गुरुओं ने, बीपी शुक्ला जी और दूसरे योगाचार्य जी ने बहुत अच्छे से योग में किस प्रकार से सांस ली जाए, किस प्रकार से छोड़ी जाए, उसको एक घंटे तक समझाया। इतनी बड़ी संख्या में योग करते हुए देखना एक अद्भुत था। 17 से 21 जून तक चलने वाले इस 5 दिवसीय योग शिविर में हजारों की संख्या में लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग डिप्रेशन व अन्य बीमारियों से निजात दिलाने का एक बड़ा जरिया है। शनिवार को योग कक्षा सुबह 6 बजे से 7 बजे तक लगाई गई, साथ ही 7 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि योग से जुड़े इस भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में आगरा विकास मंच के साथ साथ जोनल पार्क मित्र मंडल की भी बड़ी अहम भूमिका है। जोनल पार्क मित्र मंडल के संस्थापक सदस्य और प्रवक्ता दिनेश अगरिया ने बताया कि आज की जीवन शैली के दौरान तमाम तरह की बीमारियां लोगों के शरीर में घर कर रही हैं। जरूरी है कि लोग योग साधना से जुड़ें और योग की क्रियाओं के माध्यम से अपनी काया को निरोगी बनाएं। इस कार्यक्रम के लिए दो पार्टों में यह कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित हो रहा है। 6 से 7 बजे योगा गुरु के साथ योगा और 7 से 7:30 बजे नृत्य के साथ योगा यहाँ किया जा रहा है, जिसमें आज शहर भर के असंख्य लोग यहाँ पर मौजूद रहे। योग के इस कार्यक्रम में आज का उद्घाटन
बेबी रानी मौर्य जी जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से हैं उन्होंने किया और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन उन्होंने आने का आश्वासन भी दिया है। कार्यक्रम योग के लिए यह आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है और यहाँ पर योग गुरुओं द्वारा यह योग की क्रियाएँ प्रतिदिन सिखाई जाती हैं। जोनल पार्क मित्र मंडल और आगरा विकास मंच और आगरा विकास प्राधिकरण के सामूहिक सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो 5 दिन तक लगातार चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए इस भव्य कार्यक्रम में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं एवं बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। योग गुरुओं का मानना है कि सभी को योग से जुड़ना चाहिए, खासकर बच्चे जब योग से जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं उनका चौतरफा शारीरिक विकास होता है। सी न्यूज़ के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।